आप HDFC का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबसे आसानी से HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देता है। आपका सेविंग अकाउंट हो, आपका सैलरी अकाउंट हो, आपका FD हो, RD हो, किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, सारी तरीके से आप क्रेडिट कार्ड HDFC का बनवा सकते हैं। आपने अभी तक बनवाया नहीं, बनवाया तो व्हाट्सएप में आइए, हम बताएंगे कि कैसे बन जाएगा। लेकिन आपने बनवा रखा है और आप यूज कर रहे हैं, और यूज करते करते आपके पास इतनी लिमिट का कार्ड बन गया है कि अब आपके बुरे दिन आ गए हैं कि पेमेंट्स करने में देरी हो रही है, क्योंकि ब्याज भी सबसे ज्यादा लेता है। तो भाई इस वीडियो में बताऊंगा कि HDFC का क्रेडिट कार्ड आप सेटल करें तो कैसे करें, और अगर नहीं करेंगे तो बैंक आपके साथ क्या क्या कर सकता है। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है HDFC क्रेडिट कार्ड के सेटलमेंट को लेकर, कि करना है तो कैसे करना है, नहीं करना तो क्या करना है, और नहीं करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, और वीडियो की टॉपिक है HDFC का क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो बैंक आपके साथ क्या कर लेगा, और अगर करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं, और करने के बीच में अगर रिकवरी की हरेसमेंट कॉल्स आ रही हैं या कुछ तरीके अलग यूज करके वो परेशान कर रहे हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो जानकारी आपको मिलेगी बढ़िया वाली। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप नहीं करना चाहे HDFC के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, बहुत तरीकों से बैंक क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड करता है। आपने अकाउंट खोला जीरो बैलेंस का, कुछ पैसा रख लिया, बैंक ने बोला भैया स्पेशल हो कस्टमर क्रेडिट कार्ड हम दे रहे हैं, ले लो, आपने ले लिया। आपने सैलरी अकाउंट खोली, सैलरी अकाउंट के पहले सैलरी क्रेडिट होती है, बैंक ने कार्ड दे दिया, आपने ले लिया। किसी अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे थे, कॉल आया, हेलो सर कैसे हो आप, HDFC क्रेडिट कार्ड दे रहा है, कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर लो। भाई आपने अप्लाई कर लिया और वो लिमिट भी आपको देते हैं गजब। आपने मनी बैक क्रेडिट कार्ड, मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, रिगेलिया क्रेडिट कार्ड, नाम तो सुना ही होगा, सब पे रिव्यू कर रखा है, जाके देखिएगा। अगर अच्छे से यूज करें तो फीचर्स पता होने चाहिए। लेकिन भाई अच्छी लिमिट का क्रेडिट कार्ड आपके जी का जंजाल बन जाता है, क्योंकि पावर आती है पैसों की, लोग खर्च करते हैं अनवांटेड चीजों में और फंस जाते हैं क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में। जब पूरे दिन आते हैं तो कोई हेल्प नहीं करता और उल्टे गाली गलौज वाली बात हो जाती है। जो लोग कल तक आपकी तारीफ कर रहे थे कि भाई क्रेडिट कार्ड है, मेरे को ये दिला दे, मुझे वो दिला दे, कल जो एग्जीक्यूटिव आपको ऑफर कर रहा था कि भैया क्रेडिट कार्ड ले लो, आज वही टीम आपको गाली देगी, वही दोस्त आपसे दूर भाग जाएंगे। ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है? तो इस सिचुएशन को अगर आप फेस कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना छोड़ दो। छोड़ दोगे तो दो चीजें हो जाएंगी, या तो आप उसको सेटलमेंट करोगे या नहीं करोगे। नहीं करोगे तो दोस्तों आप अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहन बीवी बच्चे सबको गालियां सुनवाने के काबिल बना दोगे, क्योंकि रिकवरी वाले उन सबको गालियां देंगे, घर पे आके डराएंगे, धमकाएंगे। अगर आप में यह सहने की शक्ति है तो बैंक का पेमेंट मत करो, HDFC क्रेडिट कार्ड का पेमेंट मत करो, पर्सनल लोन का पेमेंट मत करो। लेकिन आप इज्जतदार हो, खानदानी जमींदार हो, आपके माँ बाप के पास रुतबा है, पैसा है, लेकिन आपने गलती से क्रेडिट कार्ड ले लिया है, तो भाई सबसे अच्छी बात है सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट करने में सबसे पहले अपने माँ बाप बीवी बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे दो कि मैं क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस गया हूँ, मैं इसको सेटलमेंट करने जा रहा हूँ, बैंक वाले मुझे परेशान करेंगे, लेकिन हमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है यहाँ पे हमारा केवल सिविल खराब होगा और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप अपने रिश्तेदारों की इज्जत प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आप सेटलमेंट कर सकते हैं, सबको बता के। बार्गेनिंग करने का दम होना चाहिए, 30-50% में आसानी से हो जाता है। अगर आप में नहीं है वो क्षमता तो आप हमारे माध्यम से करवा सकते हैं सेटलमेंट, क्रेडिट कार्ड का, पर्सनल लोन का, HDFC हो चाहे किसी बैंक का हो, आइए व्हाट्सएप में, हम बताएंगे कैसे कम से कम में सेटलमेंट होगा। तो इस प्रकार आप सेटलमेंट का प्रोसेस में जाएंगे, कैसे करा जाता है सेटलमेंट ये वीडियो बना रखे आप जाकर देखिए, और फिर जब आपका सेटलमेंट हो जाएगा तो जीवन में सारी खुशियां वापस आ जाएगी। तो आशा करता हूं इस वीडियो में जो बातें मैंने आपको बताई कि HDFC का क्रेडिट कार्ड अगर सेटलमेंट नहीं करेंगे या करना चाहते हैं तो कैसे करें, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कर दीजिए वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और हाँ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा।
वीडियो को अगर देख रहे हैं फेसबुक पे तो कर लीजिए फॉलो, और हमारी वेबसाइट है www.hktips.com विजिट करिए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। और हाँ, हम इंस्टाग्राम पे भी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए अपने सेहत का ख्याल दोस्तों, जान है तो जहान है। बाय बाय।